हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरगन नेचुरल ब्यूटी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोग के लिए मैं ब्रशेस लेके आई हूँ, जो मेकअप ब्रशेस है, बहुत ही अच्छे ब्रशेस हैं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आप लोग को दिखाऊंगी कि कौन सा ब्रशेस आप किस तरीके से और कब कैसे यूज कर सकती हैं। अगर आप मेकअप करना चाहती हैं, मेकअप आपको सीखना है, या आप मेकअप सीख चुकी हैं, या आप मेकअप कर रही हैं, तो आपको मेकअप करने में ब्रशेस की बहुत ज़रूरत पड़ती होगी। तो अगर आपके पास नहीं है तो मैं आप लोग स्टार्ट करते हैं और मैं दिखाती हूँ कौन सा ब्रश मैं आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इस तरीके की ये ब्रश है और इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है। मुझे इस तरीके की ब्रश है और ये ब्रश मेरा बहुत टाइम का हो चुका है, मैंने इसे बहुत टाइम पहले लिया भी हुआ था। और कुछ ब्रशेस है जो मेरे पास अलग से भी हैं, मैं उसको कभी कभी यूज भी करती हूँ। और इसमें के कुछ ब्रशेस हैं जो अभी वैसे ही रखे हुए हैं, मैंने उसको कभी यूज भी नहीं किया क्योंकि मेरे पास अलग से ब्रश हैं। तो मैं इसमें का ब्रश कोई अभी ज़्यादा यूज नहीं की हूँ, तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ मैं शेयर कर देती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ कौन से ब्रशेस किस तरीके से होते हैं और कैसे कैसे हमें यूज करना रहता, कौन सा ब्रश हमारे ज़रूरत की होती है जो हमें लेना ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको इस तरीके से ये ब्रशेस के इस तरीके से था, मुझे आया हुआ था, तो इस तरीके की है। अब मैं इसको ओपन करके आप लोग को दिखाती हूँ कि किस तरीके की है ब्रशेस। तो इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है और इसमें हमें पूरा 24 ब्रशेस मिलते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रशेस हैं जिससे हम अपने पूरे फेस का मेकअप कर सकते हैं। तो चलिए हम आप लोग को एक एक ब्रशेस में दिखाऊंगी कि किस तरीके से कौन सा ब्रशेस हमें कभी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देख सकती हैं इस तरीके की यह है फाउंडेशन ब्रश, सकती है फाउंडेशन ब्रश जिससे हम अपने फेस, इस तरीके की ये फाउंडेशन ब्रश है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ब्रश है, आप देख सकती हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है इस तरीके से। तो इससे हम अपने फाउंडेशन को अपने फेस पे इस तरीके से लगा सकते हैं और हम अपने फेस पे बहुत अच्छे से एक बेस बना सकते हैं, यानी फाउंडेशन लगा सकते हैं इस ब्रश से। अगर आप कोई कंसीलर लगाना चाहती हैं तो भी आप इससे लगा सकते हैं, फाउंडेशन लगा सकती हैं अच्छे से। और लगाने के आप ब्यूटी ब्लेंडर से अपने फेस पे जितने भी आप फाउंडेशन लगा उसको आप अच्छे से ब्लेंड कर लें। वहाँ पर मिला है एक ब्रशर ब्रश, इस तरीके से हम यहाँ पर ब्रशर लगा सकते हैं। जब यहाँ पर हम लगाते हैं ब्रशर तो यहाँ पर लगा सकते हैं ब्रशर। और इसके बाद में यहाँ पर एक पाउडर ब्रश मिला है, इससे अपने फेस पे हम पाउडर लगा सकते हैं, यानी जब हम, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ब्रश है, आप देख सकती हैं बहुत सॉफ्ट है, इस तरीके से आप पाउडर लगा सकती हैं इससे, है ना, इस तरीके से आप पाउडर लगा सकती हैं, फेस पाउडर लगा सकती हैं कोई भी। और इसके बाद हमें यहाँ पे ये मिला है फैन ब्रश, जिसको हम हाईलाइट लगाते हैं अपने फेस पर, इस तरीके से हाईलाइट करते हैं यहाँ पर नोज पर, इस तरीके से यहाँ से हम अपने फेस पे जब हाईलाइट करते हैं तो इस तरीके से। ये फैन ब्रश आप देख सकती हैं, ये हमें छोटा ब्रश एक रिसीव हुआ है। और सेकंड के बाद ये है फैन ब्रश सेकंड वाला, जो है इसमें एक बड़ा वाला मिलता है, तो इस तरीके से हम अपने बड़े वाले ब्रश से भी अच्छे से हम कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ बहुत ही अच्छे से इससे भी हो जाएगा अगर आप अपने फेस को हाईलाइट करना चाहती हैं। तो इस तरीके से अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए आपको इस तरीके से फैन ब्रश जो होता है उसको आप इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद यहाँ पे हमें एक कॉम ब्रश मिलता है इस तरीके से, जब अपने इस तरीके से हम अपने, तो इस तरीके से हमें एक कॉम ब्रश मिलता है जिससे अपनी हेयर कट कर सकते हैं जब आप लगाते हैं। और यहाँ सबसे पहले बात, जब हम आई मेकअप करते हैं तो हमें आई मेकअप के लिए बहुत सारे ब्रशेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम अलग अलग अगर आई शेडो लगाते हैं तो हमें अलग अलग ब्रशेस की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक ब्रश से ना तो हम ब्लेंड कर सकते हैं, ना तो हम एक ही ब्रश से हम अलग अलग अगर आई शेडो लगाते हैं उसको बहुत अच्छे से अगर आई मेकअप कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे ब्रशेस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें मुझे दो दो या तीन तीन ब्रश, एक ही एक ब्रश दो दो मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ है इस तरीके से। अगर इतने सारे ब्रशेस हमें आई ब्रशेस मिले हुए हैं जो इसमें दो दो तीन तीन ब्रशेस है, यानी अपने अगर आई को बहुत अच्छे से मेकअप कर रहे हैं तो उसमें एक ना दो, दो से तीन ब्रशेस तो हमें लगते हैं। अगर हम कोई दो से तीन कलर अगर आई शेडो यूज कर रहे हैं तो हमें अलग अलग ब्रशेस की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत अच्छी बात है कि इसमें एक नहीं दो दो ब्रशेस हमें मिले हुए हैं अगर हम आई मेकअप बहुत अच्छे से कर भी पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं बहुत ही बारीक सी पतली सी ब्रशेस है, बहुत ही अच्छी है, इससे आप अपने अगर जेल लाइनर लगाना चाहती हैं तो बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे से लाइनर लग जाएगा। इस तरीके से आप ब्रशेस देख सकती हैं, ये कितनी भी पतली सी और बहुत ही सॉफ्ट ब्रशेस से बहुत अच्छे से लग भी जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे आपको लिप के लिए लगाना है, अगर आपको लिप का आकार देना है तो इस ब्रशेस से आप आकार दे सकती हैं, लिप लाइनर लगा सकती हैं। और यहाँ पे एक लिपस्टिक ब्रश भी मिलती है जिससे हम अपने लिप को लिपस्टिक लगा सकते हैं इस तरीके से।
तो बहुत अच्छी बात है कि इसमें बहुत सारे ब्रशेस मिलते हैं। तो अगर आप लोग को इस तरीके के ब्रश चाहिए, अगर आप मेकअप करना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं या आपको ब्रशेस की ज़रूरत है और तो आप इस तरीके के ब्रशेस ले सकती हैं। मुझे यहाँ पे 24 ब्रशेस मिले हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि इसमें बहुत सारे ब्रशेस भी हैं जो हमारे ज़रूरत की है। और इसमें एक नहीं, दो दो तीन तीन ब्रशेस मिले हुए हैं जिससे हम अपने आईज़ को बहुत अच्छे से मेकअप निकाल सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरीके से ये ब्रशेस है, इतने सारे ब्रशेस है और मुझे ये ब्रश बहुत ज़्यादा पसंद भी है और मेरे पास था तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दी। क्योंकि मैं इसमें से बहुत सारे ब्रशेस ऐसे हैं जो मैंने अभी तक यूज़ भी नहीं किया, क्योंकि मेरे पास और भी ब्रशेस हैं तो मैं वो वाला ब्रशेस यूज करती हूँ। तो इसमें से बहुत अच्छे अच्छे ब्रशेस हैं जो मुझे ज़रूरत पड़ती है वही मैं लेती हूँ, बाकी मैं ऐसा रख देती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत अच्छे से ये काम भी करता है। अगर आप बिगनर हैं, नए हैं, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता ब्रश चलाना, तो आप इस तरीके की ब्रशेस ले सकती हैं आपको। तो फ्रेंड्स अगर मैं इस ब्रश की प्राइस की बात करूं तो शायद मुझे ये 600 या 700 के आसपास मिली हुई थी और इसमें 24 ब्रशेस है, बहुत अच्छे से ब्रशेस है। अगर आपको लेना है तो ले सकती हैं। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, हमारी वीडियो का लाभ सबसे पहले आप उठा पाएँ। और इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। मैं अपने चैनल पर ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी कराती हूँ, तो जिसको करना वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, घर बैठे ही आसानी से ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।